फील करते एक रन चुरा लिया अपने टीम के लिए। इस प्रकार ओवर की समाप्ति अंपायर अली सिंह का। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 7 रन। स्वागत है आप सभी का दिलशान के यूट्यूब चैनल पे। एक ओवर के लिए और उसको वहीं पर खेल दिया। फील्डर मौजूद कोई रन नहीं। आज बाबा पर फंडी के गेंदबाजों ने बहुत ही चौथाई भरी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए और फिलहाल कोई रन नहीं। तरफ से यदि कोई हैटी भी क्या लगता है तो उसको 1100 रुपया का नगद पुरस्कार से नवाजा जाएगा। सामने बल्लेबाज मोनू मुलायम चले मोनू के लिए बहुत ही सूझबूझ से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर मुलायम अपने टीम के लिए। एमडी अहमद जी हाँ आए हैं मगर आज प्लेइंग 11 में नहीं है, थोड़ा अनफिट है। फाइनल मुकाबला से राव बाबा बरफंडी के बीच मुलायम के लिए खिलाड़ी आए हैं प्रेम यादव मोनू के लिए। तिहत्तर गेंदों में 228 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। क्या मोनू सामने बल्लेबाज आनंद राव जी सही कह रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या कीजिएगा, मैच का आनंद खराब हो जा रहा है। सामने बल्लेबाज मोनू के लिए जड़ में फेंकी हुई गेंद किया। फिलहाल कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 19 रन। आज राव ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 246 रन का लक्ष्य रखा है बाबा बखंडी को। बाबा बखंडी को यदि आमिर जीतना तो 247 रन चाहिए। खूब क्रिकेट खेल रहा है के टूर्नामेंट है साल का, इतना मारा तो होगा तो पॉइल के टूर्नामेंट हो बाहर काम मार ला बी है बोले को वहीं पर टेक दिया आराम से। फिलहाल कोई रन नहीं। बहुत बढ़िया बिट्टू भाई गेंदबाज बिट्टू। सुनील माल्या जी नमस्कार सर, स्वागत है आप सभी का। पापा बरखंडी ओन द टॉस एंड डिसाइड टू फील्डिंग। आप इस मैच का लाइव प्रसारण नहीं, नेटवर्क कम है, नेटवर्क रही तो था एचडी तो खर्ची नेटवर्क बहुत कम। इस मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं देश विदेश के किसी भी कोने से कृष्णा क्रिकेट लाइव एंड
एयरटेल चलते नहीं साथ पे टावर नहीं चला आनंद रावत जी जो कहते हैं एकदम दिमाग और खुले तरीके से कहते हैं बहुत बढ़िया आउट फिलहाल कोई रन नहीं। जेवीएम कप 15 नवंबर से शुरू होगा सर और 13 नवंबर से आपको देखने को मिलेगा आत्माराम पांडे बहुत बड़ा टूर्नामेंट और कवायर्स के ऊपर से जगह बनाया और रॉकी तिवारी जी आनंद ले रहे हैं इस वक्त राइट आर्म बीच वाले सिस्टम राइट आर्म राइट हैंड के बाद बीच में कुछ और भी था क्या हमारा क्रिकेट है आनंद लीजिए आपके मित्र हैं हमारे मित्र हैं स्कोर कार्ड तो चल रहा है भाई स्कोर कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है क्या तिवारी स्कोर कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है क्या तो तिवारी एक बार बताइएगा स्कोर कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है क्या चले बीने के लिए और आने वाले 4 महीने तक लगातार तैयार रहिए बड़े बड़े टूर्नामेंट देखने के लिए सिद्धार्थ नगर से गोपालगंज से समीर भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार स्कोर कार्ड चल ही रहा है जी हाँ वसीम राज जी खेल चुके बल्लेबाजी कर चुके हैं आप पीछे जाके मैच को देख सकते हैं रेहान स्पोर्ट्स जुड़े हैं आजमगढ़ से स्वागत है रेहान स्पोर्ट्स का भी रेहान स्पोर्ट्स बिलरियागंज हम लोग भी जुड़े हैं स्वागत है रेहान भाई आपका सिरसिया भावना कप आपको 13 से 17 आपको देखने को मिलेगा जो है आत्माराम पांडे और सिरसिया भावना कप 26 तारीख से आपको देखने को मिलेगा और 25 तारीख से बिग बैस लीग नुमान एंड कंपनी जो टूर्नामेंट करा रही है उसमें भी लाइव देख सकते हैं आप मुलायम आ चुके हैं एक बार फिर से वेल शॉट खूबसूरत शॉट तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि सर आपने गाना नहीं बजाया तो कुछ समय के लिए शुक्रिया आप सभी का फर्स्ट इनिंग का स्कोर कार्ड सर नहीं दिखा पाएंगे इतना अपडेट नहीं है अभी हम लोग के पास नीचे दिखाई दे रहा है 65 पे 215 चाहिए और 32 रन बन चुका है उसी हिसाब से जोड़ लीजिए आप वेल शॉट एक और शानदार सिक्स ये मानने वाले नहीं है भैया ये गाना बजाएंगे ही तो अभी क्वालिटी और अच्छी होगी भैया अभी तो 720 पे चल रहा है 180 पे क्वालिटी चलेगी जब आपको नेटवर्क भरपूर मिलेगा नेटवर्क की स्पीड जो है 25 kbps की है हमें चाहिए 4000 kbps का तो उतना स्पीड है नहीं हमारे पास फिर भी आप लोग क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं क्वालिटी बढ़ा सकते हैं शानदार फील्डर वहाँ मौजूद
फिर भी इतनी भी क्वालिटी अच्छी चल रही है, इसके लिए शुक्रिया आप लोगों को बताने के लिए क्रिकेटर देवा जी। सर फर्स्ट इनिंग का स्कोर कार्ड आपको अब पीछे आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख लेंगे, फेसबुक पे भी जाके देख सकते हैं। गौतम चौरसिया स्वागत है आपका भी। पहली टीम खेल चुकी है, जीत के लिए 62 गेंदों में 208 रन चाहिए। बहुत बड़ा स्कोर है मगर इस ग्राउंड पे कोई बड़ा नहीं कहा जाएगा। चौथा ओवर है, 40 रन बन चुका है। फील्ड पोजीशन में हल्का सा परिवर्तन करते हुए मुलायम अच्छी अंदर फेंकी हुई गेंद है, शेयर जरूर कर दीजिए एक बार। पहले नारायणपुर खेली है बाबा भरकंडी नारायण, माफ कीजिएगा मुन्ना सिंह 11, मुन्ना सिंह 11 सिमराओ पहले बल्लेबाजी की है। दस ओवर में अब चाहिए जीत के लिए, तो बहुत दूर, माफ कीजिएगा 39 रन, चार ओवर हुआ है, पांच ओवर नहीं हुआ है। लास्ट सोनकर जी, जी बिल्कुल विक्की भैया स्वागत है आपका। मिश्रा जी नए गेंदबाज अनिकेत आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे मोनू। हाँ विक्की भैया बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, खत्म हो गए। जितने भी मेरे कमेटी के सदस्य देख रहे होंगे लाइव, जितना भी टूर्नामेंट चलने वाला है उससे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि देख लीजिए, गाना बजने पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग बतौर कोशिश कीजिएगा कि मैच शुरू होने के बाद किसी तरह की आईपीएल टोन ओन के चक्कर में ना पड़े। जी हाँ विक्की भैया 50 रन बनाया है बंदा आपका अमन उपाध्याय, शानदार दमदार बल्लेबाजी किया है और 50 रन बनाए हैं। सामने बल्लेबाज मोनू अनिकेत, अपने एसपीएल का पहला ओवर और फिलहाल पांचवा ओवर प्रगति के, सामने बल्लेबाज मोनू रेस्टोरेंट छोड़ते चले और एम्पायर का इशारा वाइट, एम्पायर का इशारा सब मान्य होगा। मेहराब आलम जी अमीर और गुड्डू को जरूर बोल दिया जाएगा। मोनू 50 रन हुआ है, 500 ओवर प्रगति पे है, आ चुका है।
तो गुड्डू थोड़े से कप्तान है, परेशान है इस वक्त छक्के लगने की वजह से। तो जानते हैं गुड्डू को आप, बहुत ही सिक्योर कप्तान है, बहुत दबाव रहता है इनके ऊपर जब कप्तानी करते हैं गुड्डू तो, और वही दबाव इस वक्त झलकता हुआ गुड्डू पे। रन बन रहा है 55-150, ये तो नो बॉल होनी चाहिए। और ले भाई के रूप में भी दो रन। तो बैट से तो नहीं, मगर बाई के रूप में और नो बॉल के रूप में रन आते हुए इस वक्त। भाई गाना बज रहा है इसलिए आवाज को बार बार काटना पड़ रहा है, आप देर से जुड़े हैं जी। यहाँ 246 है अफ्ताब आलम जी, महंगा ओवर साबित होता हुआ, महंगा ओवर की समाप्ति होती हुई। तो सारे के सारे रन जो अभी तक मुन्ना ने बनाया और एक छक्का लगाया है विनय ने। पांच ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर, शहबाज हुसैन जी बता रहे हैं 30 छक्के चाहिए अभी से यहां से जीत के लिए 53-54 गेंदों में। मैं साथी कमेंटेटर मन सिंह जी से चाहूंगा, 246 रन बनाया, 247 रन जीत के लिए चाहिए। लिया और वही पर सेवाओं टीम के खिलाड़ियों ने इस फैसले को गलत साबित करते हुए 14 ओवरों में 246 रन बना दिए। डेविड आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और बॉलिंग वाले इस विकेट के लिए सही में ज्यादा नहीं है, इस विकेट में कुछ भी हो सकता है भाई। डेविड है बल गेंदबाज और ये अहमदाबाद से खिलाड़ी चल के आया है और डेविड के अंदर थोड़ी सी यही प्रॉब्लम रहती है, वाइड की जो लेग स्टंप की होती है वो बहुत दिक्कत होती है डेविड के लिए। उनका स्पीड बहुत है डेविड के अंदर, अगर इन्होंने दम से गेंदबाजी कराए तो पूरा मैच बदल देते हैं। ये देखिए यही बात मैं कर रहा था, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला इनके साथ में, बहुत ज्यादा विकेट कीपिंग की और अपनी कप्तानी में इनको खेले में हमेशा तेज आउटफील्ड पर शॉर्ट फाइन लेग बॉल लगा के रखता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में कमेटी में उपस्थित है श्रीमान मंजू वर्मा और उनके साथ श्रीमान तिरपन गेंद 177 रन चाहिए जीत के लिए। अब यहाँ से इस बाउंड्री के सामने ये
दो ओवर तो अभी पड़े हैं, इससे पहले भी 22 से 25 रन का ओवर पड़ा और ये अभी तक दो गेंदों में 12 रन खर्च कर चुका है, तो ये भी ओवर बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मैच को पलटता हुआ दिखाई दे रहा है ये ओवर। और यही बात हो रही थी सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं, बिहार के टॉप ऑलराउंडरों में शुमार है रवि सिंह। डेविड गेंदबाजी जो इनका यॉर्कर का जो खेल है वो बहुत तगड़ा, वही यॉर्कर के चक्कर में के बाहर इनका जो एक्शन ही इस तरह का है कि गेंदें जो है पड़नी है अंदर की तरफ। रवि सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, शेयर करते रहेगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल दिलशान के लिए। इस ओवर पहली बार सामना करेंगे विन है बिल्ला का, बिल्ला का बॉल और जाते हुए बॉल बल्ले से उतना रन नहीं बना जितना एक्स्ट्रा के रूप में रन बन गया है, उतने ही बल्ले से उतने ही एक्स्ट्रा दोनों तरफ से रन बने हैं इस ओवर में। बिहार के बहुत बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं आनंद रावत जी, आप अब हमारे लाइव में जुड़े हैं तो इनका जलवा आपको देखने को मिलता रहेगा आने वाले समयों में। थोड़े से प्लेयर जो है कैजुअल दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, मुन्ना सिंह छह चार 10 दो 12 13 14 15 रन आ चुका है इसमें, मात्र बल्ले से दो ही छह, एक चौका और एक छक्का आया है, उसके बाद से वाइड और एक्स्ट्रा के रूप में रन आया है 5 रन। ओवर की समाप्ति, हेलो ओवर की समाप्ति पे 79 रन बना चुके हैं बहुत अर्थी टीम के बल्लेबाजों ने, इस पर एक विकेट के नुकसान पे। आनंद रावत जी कह रहे हैं कि बैटिंग वाली टीम हार जाएगी, तो इस विकेट का भी कुछ 168 रन कुछ भी हो सकता है, और ये पहली ही गेंद वाइड होगी और अंपायर का इशारा वन बाउंस भी आना चाहिए और वन बाउंस का भी इशारा आता हुआ। विनय को बहुत कम गेंदें खेलने को मिली है इस इनिंग में और ये विनय एक विकेट के नुकसान पर है।
यास्री ने स्कोर ज्यादा पहुंचा है। बॉल पे चलते हुए बिना बिना चलते हुए वापस तीन रन करते हुए और दो रन बनाए और तब तक एक रन लेते हुए इस एक रन के कारण टोटल स्कोर यह पहुंचा 87 एक विकेट के नुकसान से। सातवां ओवर प्रगति में 87 रन बनाए और दोनों ओवर बाद क्रीज पर मौजूद नहीं नहीं आनंद रावत जी रोक के ये सब चीजें नहीं ध्यान से रहिए सर। और ये नहीं सात ओवर में 100 बना चुके हैं और अब आने वाले 7 में 147 बनाना है आपको समझ लीजिए। तो शेयर करते रहिए आप लोग और फॉलो कर लीजिए दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज भावना कप बिग बैश लीग और कल यानी परसों दीपावली की शुभकामनाएं आप सबको। दीपावली की सभी को शुभकामनाएं और दीपावली की सुबह आप सभी को एक बड़ा बिग टूर्नामेंट देखने को लाइव मिलेगा। स्वर्गीय आत्माराम पांडे सैदपुर गाजीपुर की सरजमी से और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन पर दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक और यूट्यूब चैनल से वो टूर्नामेंट आप देख सकते हैं जहां विजेता टीम को कैश प्राइज है। स्वर्गीय आत्माराम पांडे डेविड आए एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तो कुछ गेंदबाजी में कमजोर दिखाई दे रही है। मुन्ना सिंह 11 सिमराव अगर ये ओवर किफायती हुआ तो मैच का रुख बदलेगा नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ये देखिए भाई चांस बना रहे थे लेग स्टंप का डंडा उड़ाने के लिए समय में कवि सिंह ने छोड़ा। बयालीस गेंदों में 140 रन चाहिए जीत के लिए यानी कि 42 गेंदों में के लिए और छक्के चाहिए जीत के लिए। और
कीपर दो छंग 12 42 गेंदों में 22 छक्के लमसम जीत के लिए चाहिए यहाँ से और कुछ एक्स्ट्रा ज्योति सचार्य विश्वजीत ओवर प्रेम यादव डेविड का बहुत शानदार निकलता हुआ अभी तक किफायती दिमाग से गेंदबाजी करा रहे हैं ये वाला ओवर डेविड इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत भी है तो दो वाइड और दो सिंगल यानी कि मात्र 4 रन खर्च किया इस ओवर में दबाव इस ओवर में बढ़ा दिया है बल्लेबाजी टीम पर डेविड बिल्ला ने लौकी तिवारी जी वो अपना ओवर फेंक के निकल गए और बहुत महंगा साबित हुए हैं अपना अंतिम ओवर मेरे ख्याल से अंतिम ही ओवर होगा इसके बाद ओवर फेंकने नहीं आना चाहिए उन्हें ओल टॉस गेंद का भी लाभ नहीं उठा पाए ये तो ऑफर बन रहा था छक्के के लिए इसे विकेटों पे इस तरह की गेंदें मगर थोड़ी सी डीप होती हैं यानी कि अंदर की तरफ गिरती हैं डेविड की गेंदें और अधिकतर यॉर्कर का चांस बनाते हैं यानी कि यॉर्कर मारने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं शॉट यार खूबसूरत दिन का छक्का बहुत ही खूबसूरत छक्का था ये लाजवाब सिक्स विनय का अपनी पारी का सबसे अच्छा छक्का लगाया है विनय ने और मेरे ख्याल से इस पारी में का सबसे अच्छा छक्का आजाद पठान जी भैया किसी का कमेंट देख पा रहा है किसी का नहीं देख पा रहा है क्योंकि जिसका कमेंट तेजी से ऊपर चला जा रहा है नहीं देख पा रहा है स्वागत है आजाद भैया कमेंट आपका देख नहीं पाए नहीं तो कमेंट देखे और ना बोले एम डी यामिन अली जी नाम तो सबका दिख रहा है और कमेंट जो है नहीं देख पा रहा है स्कोर बोर्ड में जो है नीचे देख सकते हैं वाइट वाइट पट्टी दिख रही है पर आपका कमेंट भी वाइट पट्टी में ही आ रहा है इसलिए दिख नहीं पा रहा है वालेकुम सलाम बुलाए हिसाब से गेंदबाजी कराते हुए मुलायम चिक्कू अनीस सद्दाम क्योंकि थोड़ा सा साउंड को बार बार ऑफ करना पड़ा है तो जो इसका आइकॉन होता है साउंड को ऑफ करने का वो कमेंट बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है इसलिए कमेंट बॉक्स ऊपर नहीं पा रहा है रवि के बल्ले से आज जो है गेंदों का कनेक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है और इसलिए रवि भाई ने 11 गेंदों का स्कोर बनाया है 11 गेंदे यहाँ पे बहुत मायने रखते हैं आजाद पठान जी अभी भी आपका कमेंट वाइड मुलायम भाई की टीम जीतेगी और ये भी वाइड होगी
मुलायम पहले खेलने के लिए गेंद को खेल दिया है। फील्डर मौजूद के लिए बहुत खूबसूरत गेंदें कराई जाएंगे। सारी गेंदें जड़ में फेंकी है मुलायम ने। जितनी डॉट या सिंगल पे मैच चलेगा उतना ही दूर होता जाएगा नारायणपुर की पकड़ से मैच, और उतना ही पकड़ में आएगा मुन्ना सिंह इलेवन से राव के लिए। शॉट, खूबसूरत शॉट और 6 रन। हेलो, मेराज अंसारी चले के लिए। एक और ये शॉट और बढ़िया फील्डिंग धवन की। एक रन चाहिए अपने टीम के लिए। इसी रन के सारे टीम का पूरे स्कोर जा पहुंचा है 19-6 और चाहिए जीत के लिए। आने वाले 30 गेंदों पर 19-6 के बाद से 128 रन बाकी 30 बॉल 30 बॉल है यानी 5 ओवर 30 बॉल में 120 रन की आवश्यकता। यदि बाबा भरखंडी को इस मैच को जीतना है तो 30 बॉल में 120 रन लगाने पड़ेंगे। और सामने बल्लेबाज एक बार फिर से डेविड शॉट यार खेल दिया है। आवाज और फिल्म मौजूद फिलहाल कमेंट्री बॉल विनय को गेंदे कम खेलने को मिली है पर 18 गेंदों में अच्छी बल्लेबाजी की है विनय ने। गेंदबाज और एक और अट्ठाईस गेंदों में 107 रन चाहिए जीत के लिए। अब सो नहीं बीना के लिए जीत चुके हैं। मिराज भाई स्वागत है। मिराज भाई आपका स्टूडेंट कोर्ट है। एक और सेकंड गाना बजने की वजह से बार बार साउंड को ऑफ करना पड़ा है, उसके लिए माफी चाहेंगे आप सभी से। 25 गेंदों में 100 रन की आवश्यकता। मना करने के बाद भी नहीं बजा तो भाई साउंड तो ऑफ करना ही पड़ेगा। 25 गेंदों में 100 रन यानी कि प्रत्येक ओवर में 4 छक्के मारने ही मारने पड़ेंगे। और इस गेंद पे एक छक्का आ जाएगा तो लगातार बाउंड्री लगाना पड़ेगा तो कुछ डाउन हो सकता है। चले ठीक है बहुत बढ़िया। इस प्रकार
अंपायर का इशारा वाइड। निखिल राव जी बताया तो सही, गाना बज रहा है इसलिए बार बार वो करना। 25 गेंदे 99 रन, अगर इस गेंद पे छक्का आता है बीला चले रवि के लिए। फुरकान आजमी जी स्टूडेंट बोर्ड से एक गेंद और उसको वहीं पे प्रेड किया। जब तक विकेट कीपर ने दौर को पिन किया तब तक एक रन अपने टीम के लिए। इस एक रन के साथ टीम का कुल स्कोर यहां पहुंचा 149। अफ्ताब जैसा बल्लेबाज ग्राउंड के बाहर ही बैठे रहे। हाँ हाँ मिराज भाई, आमिर बोल रहे हैं वाइड नहीं है। जग्गू यार स्वागत है सर आपका। भाई टीम का नाम तो नहीं पता है, मनपुर सिंह एंड नुमान एंड कंपनी जीती है टीम इस टूर्नामेंट को। टीम का नाम नहीं पता है, नुमान एंड कंपनी इस फाइनल को जीती है आजमगढ़ टीम। और ये सीधा अकेला है। ये ओवर बहुत मायने रखेगा बैटिंग वाली टीम के लिए। 154 रन लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज लिया। कामाक्षी ग्रुप सही बताया आपने, कामाक्षी ग्रुप उस मैच में जीती है जिसके ओनर है श्रीवास्तव जी। आज का फाइनल मुकाबला चलता हुआ इस महुआ भूसा के ऐतिहासिक ग्राउंड पर चमराव बनाम बाबा बरफंडी के बीच। बाबा बरफंडी ओन द टच एंड डिसाइड टू फील्ड उलान चले पीने के लिए। गेंद को खेल दिया है सीमा रेखा से आकर। जब तक फील्डर गेंद को खेल करता तब तक एक रन। इस एक रन के सहारे टीम का कुल स्कोर क्या पहुंचा 155 रन। ग्यारह ओवर प्रगति पे और सामने बल्लेबाज रवि मुलायम के लिए स्टूडेंट कोर्ट है रवि के लिए। इसको खेल दिया है ऐसा ही कुछ प्रयास ऐसा ही कुछ कैच देखा था आपने। कमेंट्री के चार चार आठ 10 रन आ चुका है अभी भी इसमें 14 रन चाहिए दो गेंदों में। रवि के लिए शॉट यार के बीच मौजूद कमलपुर पंचायत के मंटू तिवारी जी साथ में जमदार सिंह जी 19 गेंदों में 82 रन चाहिए चले रवि के लिए। मैच एक और जी हाँ एपीएल में पकड़ा था कैच एक परवीन गेल ने बहुत खूबसूरत वही बोलने जाते तब तक साउंड चालू हो गया तो इसलिए बंद कर। 18 गेंदों में 76 रन। अब आप फटाफट जोड़ के बताइए 12 सिक्स चाहिए 18 गेंदों में तो क्या मुमकिन है। हर ओवर में चार छक्के अभी भी बरकरार हैं, हर ओवर में चार छक्के चाहिए और गेंदबाजी करने के लिए आ गए बिट्टू लोहार। तिवारी जी आपके कमेंट पे हंसी आ जा रही है भाई। बीटू चले पीने के लिए स्टूडेंट कोर्ट है
और बिट्टू लोहार मौजूद है। अरमान आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आज कमेंट्री में मौजूद डीजे सर का स्वागत करता हूं। शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमजा अनस कंपनी उप विजेता हुई है एपीएल कप में। जी हाँ मिराज भाई सही कह रहे हैं, हमजा और उप विजेता टीम के शानदार हरफनमौला खिलाड़ी दीपू गेल उस धर्मेंद्र को मैन ऑफ द सीरीज के रूप में हीरो बाइक दिया गया है। जी हाँ बाउंड्री छोटी है सर, यहाँ ये लीजिए आते ही अरमान के मैच है। की टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। सेवाओं की टीम को भी अभी 20 ओवर में 3 छक्के लगाने हैं आपको 4 गेंदों में, तब जाके मैच में बने रहेंगे। अगर 2 गेंदे डॉट कर लेंगे तो मैच का है। और फरमान भाई को कह रहे हैं कि 11 सिक्स और चाहिए मिराज अंसारी जी। और ऐसे में 16 नंबर की जर्सी में एक और सिक्स जबरदस्त आते ही बैक टू बैक 6 लगाते हुए अरमान। तो 6-4-10 आपके हिसाब 10 ही छक्के चाहिए मैं, 64 रन फिर भी 4 रन दूर हो जाएगी। तो 2 गेंदे शेष बची हैं इस ओवर में, 3 गेंदे शेष बची हैं माफ कीजिएगा, 3 गेंदे शेष बची हैं इस ओवर में, 15 गेंदों में 64 रन चाहिए। बिट्टू लोहार और ये शानदार वाइड लाइन यॉर्कर होगी। तो 246 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए 12 ओवर खंडी ने अब तक 16 गेंदों में, अगर अब तक अब से बात करें लक्ष्य प्राप्ति की तो 14 गेंदों में 64 रनों की जरूरत। प्रयास था तेज गति से रन बनाने का अरमान का, आशा की किरण जगी थी और कुछ स्कोर जरूर लगाए थे इस ओवर में और स्कोर की दिशा में दो तमर तोड़ छक्के लगाए और छक्का लगाने के प्रयास में आउट हुए। तो 12वें ओवर की अंतिम गेंद लेफ्ट हैंड बैट्समैन आपात स्ट्राइक लेंगे। अजाज पठान जी साउंड नहीं दे सकते सर, जब जब गाना बजेगा तो साउंड बंद करना पड़ेगा और थोड़ा इश्यू हो जाएगा चैनल के लिए, आपको पूरा टूर्नामेंट दिखाना है। और ये गुड्डू आ रहा है गेंदबाजी करने तो कुछ भी हो सकता है, कुछ लगाना गुड्डू जो है बहुत ज्यादा फेंकते हैं
उन्होंने अपना स्टेप नोबल बचा लिया तो सब कुछ बचा लेंगे। इसलिए तिवारी जी गुड्डू का नाम लिया और गुड्डू आ चुके हैं। और 64 रन, 12 गेंद में 64 रन चाहिए, बहुत ही लंबा है गुड्डू। गुड्डू का स्टेप नोबल का बहुत डर रहता है, उसके बाद तो गेंदबाजी अच्छी करते हैं गुड्डू। दोनों तरफ राइट हैंड बल्लेबाज है तो वहां तक फेंक सकते हैं। तो मिराज अंसारी जी की तरफ से आनंद रावत जी पता नहीं और चार छक्के पे क्या है अभी पता चलेगा। ये लीजिए एक और सिक्स, गेंदों में 52 रन मैच को जीतने के लिए चाहिए। रन नहीं लिया, 9 गेंदों में, माफ कीजिएगा 9 गेंदों में। अब तक कितनी गेंदों पर कितने रन हमारे 9 गेंदों में 52 रन की जरूरत है। और विशाल आठ गेंदों में 52 रनों की जरूरत, प्रति गेंद छक्के लगे तो भी संभव नहीं। ये गेंद और ऐसा लगा जैसे स्विंग लॉक गेंद हो और उस पर कच्चा खा गए खिलाड़ी। हाँ ये कुछ हुआ नहीं लेकिन रन नहीं। और जो टीम इस मुकाबले में जीतती है ट्रॉफी के साथ दस रहता है। ये गेंद और घुमाने की कोशिश और कोई रन नहीं लिया क्योंकि रन अब सिंगल से काम चलने वाला है नहीं। ऐसे में अब लक्ष्य पहुंच से दूर ही नहीं, असंभव सा हो गया है, असंभव ही हो गया है अगर कोई चमत्कार ना हो तो। चमत्कार का मतलब होता है कुछ गेंदें लगातार एक्स्ट्रा हो, ऐसा संभव होता नहीं क्रिकेट में सर। इसलिए इसलिए ये लक्ष्य अब औपचारिक काम फॉर्मली भी मानते इस मुकाबले पूरा करना मुश्किल। एक रन और लेते हुए खिलाड़ी अब कुछ गेंदें बची हुई हैं, 51 रन बनाने हैं। अंतिम ओवर चल रहा है, ऐसे में ये गेंद और इसको कुछ कर नहीं पाए। गेंद को खेला हवा में जरूर, स्क्वायर लेग अंपायर के दाईं तरफ गेंद गिरी, कोई रन नहीं, नो मैन्स लैंड में।
और कुछ उसका भी खा लिया भुट्टा। 246 रन बनाए इस राव ने मात्र 14 ओवर में 247 रनों के लक्ष्य के जवाब में। अंतिम ओवर में लगभग अर्धशतक अभी बनाने हैं जो संभव नहीं दिख रहा है। और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति। तो बहुत बहुत